जिला संगठन पूरी तरीके से अपने को समर्पित करते हुए लोगों के बीच में जा रहा है, लगातार जा रहा है। हम किसी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करते, परंतु प्रत्येक चुनाव के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है, जिसके आधार पर राकेश जी भी, कल मैं देख रहा था कि राकेश जी ने मुख्यमंत्री जी को यहाँ के विकास के इतने मुद्दे दिए और उसमें स्वीकृत करा लिया कि मुझे लगा कि मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के लिए राकेश जी से सीखना चाहिए कि कितना समर्पण। मैं सदन में देखता हूँ राकेश जी को कि सदन में केवल और केवल विकास के रूप में मछली की आँख पर इंसाना साधते हुए कितना अधिक से अधिक काम वो माननीय मुख्यमंत्री जी से ले आए। ये काम करते हुए जब राकेश जी को हम देखते हैं तो इनसे बहुत कुछ सीख करके हम भी उसी लाइन पर चल करके अपनी विधानसभा को और भी लाभान्वित कराने का प्रयास करते हैं। सर, अभी हाली सुना होगा कि आंदोलनजीवी ये लोग हैं, ये सुनियोजित तरीके से, किसान नहीं है, किसान को तो इतनी MSP मिल रही है, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं उसको, इतना सॉइल टेस्टिंग कार्ड, तमाम कार्डों के माध्यम से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो आज तक किसानों को केवल भ्रमित किया गया। दो वर्गों के आधार पर इस देश में 70 साल तक कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, प्रयास किया, लोग आप समझ पाए, ये विषय अलग है, लेकिन उन्होंने केवल गरीबी को मुद्दा तो बनाया लेकिन गरीबी दूर नहीं की। उन्होंने किसान का मुद्दा तो बनाया लेकिन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो दलाली प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जो वास्तविक रूप से किसान है, गरीब किसान है, छोटा किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है और इनसे, इनके साथ नहीं जुड़ रहा। अन्यथा इनको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप राकेश टिकैत जी का वो बयान उठा करके देखें कि जब राकेश टिकैत जी ने दिल्ली के बॉर्डर में बैठ करके ये ऐलान किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक कोने से किसान दिल्ली पहुँचेगा, कौन किसान पहुँचा? कोई किसान नहीं पहुंचा, केवल वही के जो किसानों का शोषण करते थे, यानी छोटे छोटे किसानों की मजबूरी बना देते थे। किसी की बेटी की अगर शादी होनी है तो उसकी मजबूरी होती थी कि दलाली करने वाले इन लोगों को वो पैसा, अपना अनाज दें और उनसे जो पैसा दे रहे हैं, जो वो मूल्य दे रहे हैं वो मूल्य लें। अब वो स्वतंत्र हैं अपने पूरे देश में अपने अनाज देने में, तो अब इनको लगता है कि हमारी ज़मीन खसक गई है और बौखला करके उस आर्थिक अपराध को करने के लिए ये किसान आंदोलन के नाम पर आ रहे हैं। और किसान इनके साथ बिल्कुल नहीं है, कुछ दलाल इनके साथ हैं और उसके पीछे राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो चुनाव को मुद्दा बना करके इनको हथियार बना रही हैं। पर जनता आज इतनी समझदार है, वो समय चला गया जब जनता सब कहती थी कि एक साथ पूरा का पूरा गांव एक को वोट देता था, आज पिता किसी और को देता है, पुत्र किसी और को देता है और पूरी जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर और आदरणीय योगी जी पर है। इसके आधार पर हम 2022 में भी सरकार बनाएंगे और 2024 में भी सरकार बनाएंगे।